बीएम के अंदर हम लेते हैं पार्ट नंबर दो, व्यापारिक संगठन के स्वरूप। व्यापारिक संगठन के स्वरूप का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी बिजनेस को क्या करते हैं, उसके बनाने में क्या करते हैं, सोचते हैं, या फिर उसका क्या करते हैं, हम वर्तमान में उसको संचालन करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें संगठन की आवश्यकता होनी चाहिए। संगठन कौन से होते हैं, जैसे मान लो संगठन के अंदर फर्स्ट नंबर हमने ले लिया एकाधिकार, एकाधिकार संगठन, फर्स्ट नंबर ले लिया हमने एकाधिकार संगठन। सेकेंड नंबर हम इसके अंदर लेते हैं संयुक्त हिंदू, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, परिवार व्यवसाय। थर्ड नंबर लेते हैं हम इसके अंदर साझेदारी, पार्टनरशिप, HUF हिंदू संयुक्त परिवार। और अगला होता है संयुक्त पूंजी, अगला होता है सहकारी समिति, सहकारी समिति समिति। और उससे अगला होता है इसके अंदर फिफ्थ नंबर होता है हमारे पास संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी। एक संगठन कितने प्रकार के हो सकते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, एकाधिकार संगठन, संयुक्त हिंदू परिवार संगठन व्यवसाय, साझेदारी और सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। अब इन सब को क्या करेंगे, हम अलग अलग डिफाइंड करेंगे। जैसे मान लो एकाधिकार ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमने टॉपिक ले लिया एकाधिकार संगठन, अलग अलग को अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, अब शो करेंगे, इनका स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। एकाधिकार संगठन के अंदर क्या होता है, एकाधिकार का मतलब हो गया एक व्यक्ति से, सीधा सा मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जिसके, एक व्यक्ति से हो गया कि जो व्यापार का संचालन क्या करता है, एक व्यक्ति ही करता है, उसे क्या बोलते हैं, एकाधिकार संगठन बोलते हैं। जिसका क्या करते हैं, एक जो एक व्यक्ति क्या करता है, उस व्यापार व्यवसाय का संचालन, नियंत्रण, सब सारे कुछ क्या करता है, एक व्यक्ति करता है व्यवसाय का प्रबंध, उसे क्या बोलते हैं, एकाधिकार संगठन बोलते हैं। एकाधिकार संगठन के अंदर क्या डेफिनेशन होती है कि उसके लक्षण क्या होते हैं, एकाधिकार के क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया एकाधिकार के टॉपिक को, हमने यहाँ पे शो कर लिया लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमने लक्षण को उठा लिया, तो फर्स्ट नंबर लक्षण होता है निर्माण व समापन, निर्माण व समापन, ठीक है। देखो एकाधिकार के अंदर क्या होता है कि छोटे एक व्यक्ति करेगा तो वो क्या होता है, छोटे स्तर का क्या होता है, व्यापार होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया करने की, कोई भी कुछ व्यापार में कानूनी प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है और कुछ व्यापार में नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि वो छोटे स्तर का व्यापार होता है, जिससे क्या होता है, उसका निर्माण भी क्या होता है, आराम से हो सकता है, उस व्यापार का निर्माण भी आराम से कर सकते हैं, व्यापार के अंदर चाहते हैं जिसको मना भी आराम से सकते हैं, छोटे मोटे जो भी व्यापारी होते हैं जिसको हम ले सकते हैं, और उसका समापन, उसको हम क्या कर सकते हैं, बंद भी क्या कर सकते हैं, हम कभी भी कर सकते हैं। तो एकाधिकार के अंदर जैसे मान लो कि नाई की दुकान हो गई, छोटा खुदरा की जो छोटी मोटी दुकानें होती है उसका, तो जिससे क्या होता है उसकी कोई भाई, कुछ बिजनेस के अंदर क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती, और कुछ बिजनेस के अंदर क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जिससे क्या होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, जिनका क्या होता है, निर्माण भी हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और उनका समापन भी क्या कर सकते हैं, हम एकदम इजी तरीके से हम कर सकते हैं, अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, उसका समापन कर सकते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट लक्षण होता है कि निर्माण व समापन। हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं दायित्व, दूसरे लक्षण की बात कर ली हमने दायित्व, दायित्व का मतलब हो गया लाइबिलिटीज़। उसके दायित्व भी क्या होते हैं, उसी तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर कोई बिजनेस करता है, कोई भी खुदरा व्यापारी है, वो क्या करता है, बिजनेस करता है, तो उसके दायित्व का भुगतान क्या करना पड़ता है, उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि वो ही उस क्या कहता है, उस बिजनेस का लाभ का अधिकारी होता है। तो दायित्व का, उसको दायित्व का भुगतान करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस के अंदर वो काम करता है, उसके मान लो कि 80,000 रुपये के क्या है, दायित्व है, ठीक है, लाइबिलिटीज है, और 60,000 रुपये की क्या है उसके पास,
संपत्ति है, ठीक है। 80,000 रुपए की क्या है उसके पास, दायित्व है, और 60,000 की क्या है, संपत्ति। तो वो क्या कर सकता है कि दायित्व के बदले 60,000 की संपत्ति बेच सकता है, लेकिन उसको क्या हो सकते हैं, उससे भी क्या हो सकते हैं, पूरे दायित्व का क्या हो सकता है, भुगतान नहीं हो सकता। तो जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लो उसको कितने रुपए की एक्स्ट्रा हो सकता है, 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा हो सकता है, वो क्या करने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को क्या करने, व्यक्तिगत रूप से क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ये क्या होता है दायित्व, कि उनके अंदर दायित्व का भुगतान भी एकल व्यक्ति को करना पड़ता है, और जो दायित्व होते हैं, मान लो कि हमने एक एग्जांपल के रूप में शो कर लिया कि अगर एक बिजनेस के दायित्व 80,000 है, उसके जो लेनदार है मान लो 80,000 के हैं, और जो डेप्टर्स हैं उसके देनदार होते हैं वो मान लो 60,000 रुपए के हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो क्या होता है, उनसे पैसे लेकर और दायित्व को क्या होता है, देनदार को, लेनदार को क्या होता है, 60,000 रुपए तक ही चुका सकता है, बाकी के 20,000 को वो नहीं चुका सकता। तो वो जो बाकी के जो 20,000 रुपए होते हैं वो क्या होने पड़ते हैं, उनको क्या होने, व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। ये डेफिनेशन है कि एकल स्वामी का दायित्व, एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है, कोई सीमा नहीं होती, और यदि व्यवसाय की संपत्तियों के सभी ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता तो स्वामी को क्या करना पड़ता है, ऋणों का भुगतान व्यक्तिगत रूप के अंदर करना पड़ता है। ये चीज़ मैंने बता दी कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे दायित्व संपत्ति नहीं होती तो उनको क्या करना पड़ता है, उन ऋणों का भुगतान करने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दायित्व। ये दायित्व क्या होते हैं, एकल व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, असीमित होते हैं, असीमित होते हैं, ठीक है। उनका भुगतान भी क्या करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप में करना पड़ता है, उनका भुगतान भी क्या करना पड़ता है, उनका व्यक्तिगत रूप में करना पड़ता है। थर्ड नंबर होता है लाभ, लाभ व हानि, लाभ व हानि, लाभ प्राप्त करता और लाभ हानि वहन करता। व्यवसायिक में विफलता क्या होती है, व्यवसाय के अंदर क्या होती है कि विफलता से क्या होता है, जोखिम को एकल व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो लाभ और हानि के अंदर क्या होने की, अगर बिजनेस के अंदर क्या होती है, कोई भी हानि होती है, बिजनेस के अंदर कोई भी विफल हो जाता है, अगर बिजनेस क्या होता है विफल हो जाता है तो उसके अंदर हानि का वहन भी क्या करता है, एकल व्यक्ति खुद ही करना पड़ेगा। अगर वो क्या कर लेता है, उचित समय पर क्या कर लेता है, निर्णय ले लेता है, तो उसको लाभ भी क्या होता है, उसी को मिलता है, ठीक है। अगर उनका क्या होता है, व्यवसाय विफल हो जाता है, फेल हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो हानि होती है वो क्या करना पड़ता है, एकल व्यक्ति को खुद ही को क्या करना पड़ता है, वहन करनी पड़ती है। और अगर क्या हो जाता है, उसका व्यवसाय सफल हो जाता है, तो जिस उसके अंदर जो लाभ कमाता है वो भी क्या करेगा, खुद ही लेगा, ठीक है। अगला होता है नियंत्रण, फोर्थ नंबर होता है इसके अंदर नियंत्रण। नियंत्रण के अंदर यही डेफिनेशन है कि एकल व्यक्ति के हाथ में सारा सिस्टम होता है, तो व्यवसाय का नियंत्रण भी क्या करता है, वो खुद ही कर सकता है, नियंत्रण में भी कोई क्या होती है, वो खुद उसके खुद के हाथों में होती है। अगला होता है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, फिफ्थ नंबर होता है स्वतंत्र अस्तित्व, अस्तित्व नहीं। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि बिजनेस, जो एकल व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यवसाय और उस खुद को क्या करता है, साथ में क्या होते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब हो गया कि व्यवसाय का और खुद व्यक्ति का अस्तित्व क्या होता है, एक ही होता है, कोई भी क्या होता है उसके अंदर अंतर नहीं होता, और सभी कार्य के लिए क्या होता है, कौन उत्तरदायी होता है, स्वामी उत्तरदायी है। कहने का मतलब हो गया कि जो बिजनेस है, जो काम कर रहा है वो, और स्वामी का अस्तित्व क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होते, दोनों को क्या चलता है, साथ में क्या कॉम्बिनेशन होकर चलते हैं, अंतर कोई भी अंतर नहीं होता, और उनके अंदर और जो भी क्या होता है कि सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी भी कौन से होते हैं, स्वामी, जो व्यवसाय का क्या करता है, संचालन करता है, उसी के ऊपर क्या होता है, सारा का सारा डिपेंडेंट होता है। अगला है व्यवसाय निरंतरता का अभाव, अगला क्या है, व्यवसाय निरंतरता, व्यवसाय निरंतरता, व्यवसाय निरंतरता का अभाव, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एकल व्यक्ति होता है, एकाधिकार संगठन में एक व्यक्ति काम करता है,
अगर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, या तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या उस वो क्या हो जाता है, जेल में चला जाता है, तो उस समक्ष में क्या होता है कि बिजनेस को कोई दूसरा संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही होता है उसका मालिक। इसलिए क्या होता है कि वो क्या होता है, नियंत्रण का अभाव हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, या फिर क्या हो जाता है, वो जेल चला जाता है, तो उस समक्ष में क्या होता है, व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए व्यवसाय की निरंतरता क्या रहता है, भाव, अगर व्यक्ति वो रहता है तो व्यापार चलता रहता है, अगर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जेल हो जाता है, या फिर कोई अन्य कारण हो जाते हैं, तो उस समक्ष में क्या होते हैं कि निरंतरता में अभाव रहता है। कि निरंतरता में अभाव का मतलब क्या, व्यवसाय बंद भी हो सकता है, तो इस कारण क्या होता है, निरंतरता का एकल व्यक्ति में निरंतरता का क्या रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, सारे के सारे पॉइंट लक्षण होते हैं। फर्स्ट नंबर लक्षण का निर्माण व समापन, कि जो एकाधिकार व्यक्ति का निर्माण भी क्या, छोटे स्तर के बिजनेस होते हैं, जिनका निर्माण करना भी क्या होता है, इजी होता है, उनका समापन करना भी क्या होता है, इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, बंद। दायित्व का मतलब हो गया कि उनके दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं, अगर उनके दायित्व उनके ऋण उनकी संपत्तियों से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, अगर उनके ऋण संपत्ति से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या, जितने रुपये जो अंतर होता है रुपए का, वो क्या होते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, लाना पड़ता है। अगला होता है लाभ और हानि, अगर भी बिजनेस सफल हो जाता है तो सारा का सारा लाभ कौन लेता है, एक व्यक्ति लेता है, और अगर उसको क्या होता है, बिजनेस विफल हो जाता है, तो उसके अंदर हानि क्या होती है, सारी की सारी किसको वहन करनी पड़ती है, उसी व्यक्ति को जो संचालन करता है उसको वहन करती है। नियंत्रण व्यवसाय का नियंत्रण भी कौन करता है, एकल व्यक्ति करता है। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब हो गया कि व्यवसाय और व्यक्ति खुद आपस में क्या होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं, और सभी कार्यों के लिए क्या होते हैं, ये उत्तरदायी, स्वामी उत्तरदायी होता है सभी कार्यों के लिए। और व्यवसाय की निरंतरता का अभाव का मतलब हो गया कि अगर बिजनेस के अंदर जो व्यवसायी है, जो स्वामी है, अगर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है, वो जेल वगैरह कहीं चला जाता है, तो उस समक्ष में क्या होता है, व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए व्यवसाय की निरंतरता नहीं रहती है। अगला टॉपिक है इसके अंदर एकाधिकार के अंदर गुण, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो गुण के अंदर क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है शीघ्र निर्णय कि कोई भी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एकाधिकार बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति होता है, उसको वो क्या ले सकता है, अपने निर्णय को अपने हिसाब से ले सकता है, कि अगर उसको प्रॉफिट होता दिखता है तो वह निर्णय को तुरंत ले सकता है, उसे दूसरे व्यक्ति के निर्णय की क्या, दूसरे व्यक्ति के कोई क्या क्या परामर्श की क्या होती है, उसको आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या लेता है, अपने अकॉर्डिंग क्या ले सकता है, अपने निर्णय ले सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है इसके अंदर, सेकेंड नंबर इसके अंदर होता है सूचना की गोपनीयता, सूचना की गोपनीयता। सूचना की गोपनीयता के अंदर क्या हो गया कि अगर वो बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस के संचालन के अंदर जो भी गुप्त इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या रहती है, एकल व्यक्ति के अंदर खुद के पास रहती है, जिसके कारण क्या होती है, वो लीक नहीं होती, किसी के पास नहीं जा सकती। इसकी डेफिनेशन इन्होंने किया कि एकल स्वामी एकल स्वामी क्या होता है अकेले में क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है, और उनकी क्या संचालन के अंदर जो उनकी गोपनीयता होती है, जो गोपनीयता का मतलब कोई मुख्य जो सूचना ही होती है बिजनेस के अंदर, वो क्या हो सकती है, जारी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे व्यक्ति नहीं होता है व्यवसाय को संचालन के लिए, तो इसलिए क्या होती है, एकल व्यक्ति की आवश्यकता, मतलब सूचना की क्या होती है, एक दूसरे के पास लीक नहीं होती। थर्ड नंबर क्या होता है इसके अंदर, थर्ड नंबर होता है प्रोत्साहन का मतलब हो गया प्रॉफिट से जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एकल स्वामी संपूर्ण लाभ को ग्रहण करने वाला कौन सा होता है, कि बिजनेस के अंदर संपूर्ण लाभ को ग्रहण करने वाला कौन सा होता है, एक खुद ही होता है। ठीक है, और वह अकेले स्वामी होता है, इसलिए सभी लाभ के हिस्से को वो क्या होता है, स्वामी अकेला होता है तो सभी लाभ को क्या लेता है, वो जितने भी बिजनेस के अंदर लाभ होते हैं उसको क्या लेता है, वो अकेला लेता है, उसको लाभ बांटने की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। फोर्थ नंबर इसके अंदर पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर इसके अंदर है उपलब्धि का एहसास। उपलब्धि के एहसास के अंदर क्या होता है कि बिजनेस अगर क्या हो जाता है, प्रोग्रेस करने लग जाता है, बिजनेस चलने लग जाता है, वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो जो उसकी उपलब्धि होती है, वो क्या होती है, उसको खुद को मिलती है,
वो एकल व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एकाधिकार व्यक्ति के अंदर जितनी भी उपलब्धियाँ होती है वो हासिल करता है, व्यवसाय सफल होने पर जितनी भी उपलब्धियाँ होती हैं या फिर जितने भी उसको प्रॉफिट होते हैं या अन्य जो भी चीज़ें उसका कोई सामान है वो ज़्यादा बिकने लग जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो क्या होता है खुद ही कोई क्या होता है उसका एहसास होता है कि उसको उत्तरदायी क्या होता है खुद ही, अगर बिजनेस प्रोग्रेस करे तो उसको क्या होता है उस चीज़ का क्या होता है प्रोत्साहन मिलता है कि उसको लाभ अधिक मिलता है। तो सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है कि उपलब्धि के उनको क्या होता है एहसास होता है, क्योंकि वो एकल खुद ही व्यक्ति होता है, जो भी चीज़ के अंदर घटनाएँ होती है उसके लिए क्या होता है वो खुद ही उत्तरदायी होता है। इसलिए क्या होता है कि जितनी भी अगर क्या बिजनेस प्रोग्रेस कर रही है तो उसका एहसास भी क्या होता है उसको आराम से हो सकता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है या कितना डाउन हो रहा है, सभी चीज़ों का क्या हो सकता है एहसास हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है स्थापन करने व बंद करने में सुगमता, स्थापित करने व बंद करने में सुगमता। ये चीज़ मैंने लास्ट वाले अभी लास्ट टॉपिक में मैंने क्लियर कराई थी कि उसको स्थापन करने और बंद करने में सुगमता का मतलब हो गया एकल व्यक्ति के अंदर क्या होता है वो बिजनेस को स्थापित ही खुद ही करता है, उसको छोटे स्तर का बिजनेस होता है इसके लिए उसकी स्थापना करने में क्या होती है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और उस बिजनेस को बंद करने में भी क्या होती है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो अपने हिसाब से कर सकता है।